Hey guys, what's up? This is Manan Sanwal back again with a new video. So, scene कुछ ऐसा है कि अभी मेरे को फटाफट पापा की कॉल आई कि चल आजा दुकान आजा, फटाफट वैक्सीन लगानी है. तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार वैक्सीन लगाने. ऑन द स्पॉट उन्होंने बताया और मैं अभी जा रहा हूँ. अभी तक मैं अच्छा खासा वेब सीरीज देख रहा था. ओके, अभी बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं. अभी फटाफट बाजार जाना है और वैक्सीन लगा के आना है क्योंकि बाहर जो है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है. तो पहले चलते हैं और वैक्सीन लगा के आते हैं, फिर करते हैं जो करना है. तो चलो चलते हैं. Okay, मैं जा किस पे रहा हूँ, पहले तुम एक बार इस चीज को देखो. मैं पापा की दुकान तक इस पे जा रहा हूँ, इसमें साइकिल में, और फिर वहां से पापा के साथ जाऊंगा. लेकिन फिलहाल मैं इसमें जा रहा हूँ. ओके, इस साइकिल में जाना पड़ रहा है मेरे को इतनी ज्यादा दूर तक. मतलब हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी जाना होता है इस साइकिल में जाना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मा गर्म धूप में मैं साइकिल में जा रहा हूँ. पर क्या करे, जाना पड़ेगा फटाफट. तो चलो चलते. वैसे तो पूरी रोड में जो है ट्रैफिक बहुत कम है, मतलब लिमिटेड ही है. तो सही हो रहा है मतलब साइकिल भगाने में, क्योंकि बहुत कम ही ट्रैफिक है. घर में तो पता नहीं कितनी लग रही थी बाहर से देखने में कि धूप कितनी ज़्यादा तेज़ होगी, बट हुई नहीं क्योंकि सुबह तक पूरी बारिश हो रही थी. तो धूप तेज़ है नहीं और 12 बजे मार्केट क्लोज हो जा रही है. तो सही है, मतलब मार्केट भी बंद है, भीड़ भी कम है. तो गाड़ी भगाने में, मतलब साइकिल भगाने में सही हो रहा है. तो बस चलते हैं और देखते हैं. अभी सामने पानी आया, मैंने पानी के ऊपर चढ़ा दिया और मेरे पीछे के टायर से पूरा मेरे ऊपर कीचड़ आ गया पीछे से यार. तो ये कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, मतलब नए कपड़े पहनने के बाद पूरा कीचड़ मेरे पीछे पीछे आ गया. वो तो बैग पहना डाला है मैंने तो थोड़ा अच्छा है, पर फिर भी मेरे सर में और मेरे हाथों में कीचड़ आ गया यार. अगर बहुत तेज़ धूप होती ना तो साइकिल चलाने में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता, पर धूप है ही नहीं तो साइकिल चलाने की कोई टेंशन ही नहीं है. मतलब सुबह तक बहुत बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई, तो सही हो रहा है. मतलब खाली लगने की दिखने की धूप है, पर धूप से गर्म हो नहीं रहा है. ओके, मैं पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था. अब तुम देख सकते हो गाड़ी चेंज हो गई है, पापा चला रहे, पहले मैं चला रहा था. तो बस अब चलते हैं और लगा के आते हैं. हाँ, वैक्सीन लगवाने मैं जा रहा हूँ MBPG कॉलेज. कॉलेज है एक गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहाँ जा रहा हूँ. बस वहीं पर तुमसे अब मैं मिलता हूँ. पहुंच गए जिस जगह मैं आ रहा था कॉलेज, और मेरे साथ मेरे भाई भी है राकेश भाई. तो हम दोनों साथ में ही वैक्सीन लगाने वाले हैं. तो बस देखते हैं क्या होता है. क्यों राकेश भाई, तुम्हारा भी पहली बार है? फर्स्ट बार. बस चलो देखते हैं. ओके, अभी चल रहा है लंच, तो हमने कहा चलो थोड़ा कॉलेज घूम लेते हैं. तो बीएड करते हैं ना? हाँ, तो बीएड तक की क्लास है वहाँ ऊपर. अच्छा, बीएड वाली? हाँ, बीएड वाले सुपर है. वो यहाँ तो पूरा वेटिंग रूम बना रखा है इन्होंने, जैसे शादी हो रही होगी. और बताओ राकेश भाई, इतने टाइम से क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया, बस आज ही मिले ना? आज फर्स्ट टाइम वैक्सीन लगाने का मौका मिला, बस तभी हम मिल रहे हैं.
वरना कहाँ होता था, पहले से ही चल जाता है कर्फ्यू से पहले सही चल रहा था ना, हर दूसरे दिन मिलने वाले हुए हम, अब नहीं। मेन गेट बंद है। अच्छा ये मेन गेट है MBPG कॉलेज ऊपर बीएड वालों की क्लास चलती है। पहले बिल्कुल सही था यार, सब कुछ खुला हुआ था, अब सब कुछ बंद है, हर चीज बंद है। पर कोई नहीं, वैक्सीन भी इम्पोर्टेंट है, ये लग जाएगी तो फिर सब खुल जाएगा धीरे धीरे। वैक्सीन जो है लग चुकी है, मेरे को तो दर्द हो गया भाई। अरे मुझे नहीं हुआ, मेरे को दर्द हुआ है, मेरे को नहीं हुआ। उसने रुई लगाई, रुई भी नहीं लगाई और उसने खाली इंजेक्शन डाल दिया, सुई लगाया था ना उसने खाली हल्का सा पानी जैसा बस। हाँ पर मजा आया, मतलब जरूरी है ना वैक्सीन लगाना इस समय, ताकि हम घूम सके। ओके वैक्सीन तो मैं लगा चुका हूँ, बस अब घर जाने की देरी, मतलब मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज़ तो बताई नहीं कि 5 किलोमीटर में साइकिलिंग करके अपने घर से बाजार तक आ गया और 5 किलोमीटर में दोबारा अपने घर तक जा रहा हूँ। तो मुझे साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हम लॉकडाउन से पहले ना इतने साल तक हम लोग 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर तक की साइकिलिंग किया करते थे। तो मैं तुम्हें दिखाऊँगा अगर सब कुछ खुल जाएगा दोबारा से, हम दोबारा से साइकिलिंग में जाएंगे लंबे लंबे दूर, तो तब मैं तुम्हें दिखाऊँगा। बट फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ यार, मेरा गन्ने का जूस पीने का बहुत मन कर रहा है। मैं गर्मियों में पिछले साल तक जब भी बाजार आता था ना, हर बार गर्मियों में गन्ने का जूस पीता था, बट इस बार दुकानें सारी क्लोज हैं तो शायद नहीं पी पाऊँगा। और ये सामने अंकल मेरा पूरा बैलेंस कर देता है सारा, हाथों से तो मैं फोन कर रहा हूँ, मैं भी सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊँगा अगर मैं कभी बाद में साइकिलिंग में जाऊँगा, तो चलो फिलहाल घूम करते हैं और ऐना से मिलते हैं और ऐना को घुमा दें। मैं इस समय हाथ छोड़ के साइकिलिंग कर रहा हूँ, मतलब हम फायदा कब उठाएंगे यार, खाली रोड का, खाली रोड है कोरोना की वजह से, तो हाथ छोड़ के बस साइकिलिंग करने का मजा ही अलग है। तो ब्रो सब कुछ लगता है यार ये सब करने में, तो अगर तुम्हें मेरे वीडियो को देखने में मजा आ रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट। चलो मैं घर पहुँच गया और घर चलते है ना। ओले बारा बाबू मैं आ गया, चल आजा अंदर आओ, चलो पहले अंदर चलते हैं, अभी घूमने घूमने चलते हैं। अगर तुम इसको पीछे से देखो तो ये ठुमक ठुमक के चलती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बट बड़ी प्यारी लगती है ये ऐसे चलने में। ओके घर में आ चुका हूँ, वैक्सीन मैंने लगा ली है, लेकिन जो एक बात मैं तुम्हें बताने वाला था कि हम टोटल 3 लोगों ने वैक्सीन लगाई और हर किसी को उन्होंने अच्छे से लगाई, मेरे को भी अच्छे से लगाई, लेकिन जब मेरे ये वाले हाथ में उन्होंने वैक्सीन लगाई ना, तो वो जब इंजेक्शन उन्होंने डाला तो मेरे को उससे बाई गॉड बहुत दर्द हो गया, अभी भी दर्द हो रहा है। पापा बोले सही हो जाएगा सही हो जाएगा, सही तो हो जाएगा, लेकिन यार उन्होंने मेरे को दर्द कर दिया, बस एक वो चीज़ जो है मेरे को गलत लगी, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट बहुत लोग कहते हैं कि वैक्सीन के जो है साइड इफेक्ट हो रहे हैं ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, जाओ और वैक्सीन लगाओ ताकि हम दोबारा से बाहर फिर से घूम 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 सके और मजे कर सके। सो बस आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, इफ यू गाइज डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब बोलता हूँ, लाइक कॉमेंट कहना भूल जाता हूँ, तो सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करना है, कॉमेंट भी करना है, शेयर भी करना है दबा के। तो बस मैं तुमसे मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियो में, टिल देन की वॉचिंग माई प्रीवियस व्लॉग्स अगेन एंड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेक्सी क्लासी हैप्पी
एंड फिट बेबी।